कि हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कल एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक होने वाली है। तो हरियाणा सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक को लेकर अपडेट ये कि बैठक खत्म हो गई है। इतना ही नहीं, कल एक बार फिर से बैठक होने वाली है। तो सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, कई विषयों को लेकर चर्चा हुई है। कल एक बार फिर से सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने वाली है। तो कल यानी 1 सितंबर को एक बार फिर से हरियाणा कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अब अपडेट ये कि बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बैठक में कई विषयों को लेकर अहम चर्चा की गई है। कल एक बार फिर से अहम बैठक होने वाली है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा सचिवालय में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सीएम ने बैठक की अध्यक्षता की है और क्या कुछ रहा बैठक में, क्या चर्चा की गई, कौन से मुद्दे एजेंडे रखे, इसको लेकर भी हम जानकारी लेंगे। उससे पहले आपको ये भी बता दें कि कल एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक होने वाली है। तो चंडीगढ़ से ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। बैठक खत्म हो चुकी है, सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। हरियाणा सचिवालय में ये बैठक हुई है और बैठक में क्या चर्चा, किन विषयों को लेकर बातचीत हुई है, ये जानकारी भी हम हासिल करने वाले हैं। हमारे संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। अनिल, बैठक खत्म हो चुकी है, बैठक में क्या कुछ चर्चा की गई, किन विषयों को लेकर बातचीत की गई, बैठक में क्या खास रहा? देखिए, फिलहाल की अगर बात करें कैबिनेट की जो बैठक थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जो बैठक यहाँ सचिवालय में हो रही थी, वो बैठक खत्म हो चुकी है। और जो फिलहाल जानकारी निकल कर सामने आ रही है, कल दोबारा फिर कैबिनेट की बैठक होगी। कल कितने बजे कैबिनेट की बैठक होगी वो समय अभी फाइनल नहीं किया गया है। जो समय है वो फाइनल होने के लिए चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में गया हुआ है, लेकिन समय फाइनल नहीं हुआ। लेकिन ये तय हो चुका है कि कल कैबिनेट की बैठक दोबारा होगी। अमूमन ऐसा कभी होता नहीं है कि क्योंकि जिस दिन कैबिनेट हो फिर उसके नेक्स्ट डे भी बैठक हो, बैक टू बैक इस तरीके की बैठकें होती नहीं है। लेकिन ये बैठक दोबारा होगी। तो फिलहाल जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट थी जिस पर आज बैठक में चर्चा हुई है, संभवतः इस रिपोर्ट पर पूरी चर्चा नहीं हुई, इसलिए ये बैठक दोबारा रखी गई। क्योंकि जो आज बैठक थी, इस बैठक में आज जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट थी, जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट तैयार की थी BCA के आरक्षण को लेकर, उस रिपोर्ट को मंजूरी दी जानी थी। फिलहाल तक जिस तरीके से लग रहा है कि बैठक कल दोबारा होगी, उस लिहाज से आज चर्चा शायद पूरी न हुई हो, यही संभावना फिलहाल लग रही है। अनिल, क्या कारण है कि, देखिए हम भी इस बात को लेकर बात कर रहे थे, आपने भी जिक्र किया कि बैक टू बैक दो दिन तो इस तरह से बैठक नहीं होती, क्या आज की बैठक जल्दी खत्म हुई तब चर्चा नहीं हो पाई, या फिर कल चर्चा होनी ही थी इसके चलते बैठक को जल्दी खत्म किया गया और कल एक बार फिर से बैठक बुलाई गई? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोई दूसरी बैठक थी, मुख्यमंत्री की वो बैठक शुरू हो गई है, केंद्र के साथ ये बैठक है जो फिलहाल जानकारी निकल कर आ रही है। इस वजह से शायद हो सकता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूसरी बैठक थी, तो उस वजह से हो सकता है कि जो पहली चर्चा थी कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लेकर, वो चर्चा पूरी न हुई हो, इस वजह से दोबारा बैठक बुलाई गई। हालांकि देखना ही होगा कि अमूमन जो भी कैबिनेट बैठक होती है, मीडिया ब्रीफिंग की जाती है किसी मंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, अब देखना ही होगा कि क्या आज मीडिया ब्रीफिंग की जाती है या फिर कल जो बैठक होगी, जब कंप्लीट पूरी बैठक हो जाएगी उसके बाद की जाएगी। क्योंकि आज जो फिलहाल जानकारी सामने आ रही है, हालांकि सोर्स के हवाले से पूरी की पूरी जानकारी है कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट थी जिसको आज कैबिनेट की मंजूरी मिलनी थी, वो मंजूरी नहीं मिल पाई है। वो जो पूरी की पूरी जो एक चर्चा थी, चर्चा पूरी नहीं हो पाई, बिल्कुल ऐसे कहना कि ये बैठक कल दोबारा रखी गई है। जी अनिल, बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आपने दी। बैक टू बैक दो दिन यानी कि आज भी बैठक थी और कल एक बार फिर से बैठक होने वाली है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लेकर बैठक में कल विस्तार से चर्चा की जाएगी, क्योंकि सीएम को एक और बैठक में शामिल होना था जिसमें सीएम शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में संभावना ये है कि बैठक को आज जल्दी खत्म किया गया, कल एक बार फिर से हरियाणा कैबिनेट की बैठक सीएम की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय में होने वाली है।